लोग भी अब कह रहे हैं, अब सर मैं कुछ हानियां कहूँ, लोग कह रहे हैं कि माहिर विनर ये क्या, सॉरी, लोग भी इसमें कह रहे हैं कि जो माहिर है वो विलन है, वो असल में इसकी विलन है, स्क्रिप्ट बुरा है। अब कमेंट्स में भी लोग लिख रहे हैं और कह रहे हैं कब ख़त्म होगा। तो एक हमारे लोगों की एक आदत है कि जब आप इतनी फैन फॉलोइंग है कि वो देख रहे हैं आउट ऑफ लॉयल्टी, वहाज का काम भी इसमें मज़े का नहीं नज़र आ रहा। इसमें हानिया की भी एक्टिंग इस एपिसोड में, हालांकि बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, लेकिन मजाल है किसी ने इम्प्रेस किया। ट्रू, इतने अपॉर्चुनिटीज थी इनके पास कि ये खा जाते सीन को, परफॉर्म करते ऐसे देते, मैं हर जगह डिसअपॉइंट। मेरा सवाल ये है कि एक सिचुएशन है, उसको ठीक है, स्क्रिप्ट में लिखी हुई है, उसको बिलीवेबल बनाया जा सकता है बहुत आसानी के साथ। जैसे कि मैं एक चीज है कि जब हानिया एकदम घर के बाहर क्यों खड़ी थी जब उसे आके मिल गया, बिल्कुल अगर हम बात करें फोन पे तो बात ही नहीं हो रही ना, तो वो नीचे क्यों खड़ी थी जब जाबियार आके उसे मिलके जाता है, फिर उसके बाद उस सीन की जरूरत नहीं थी। आप डालते कि चले वो किसी बाजार में है और वहां से वो गुजर रहा है, तो हमेशा वो गुजरते हुए उसको नजर आ जाती है। और इस ड्रामे में हर एपिसोड में एक दफा तो वो जरूर कहीं से गुजरते हुए उसे मिलती, जब वो शुरू में भी जब इनका अफेयर चलने वाला था उस वक्त भी वो बाजार में मिल जाता था, उसे पिक कर लेता था, फिर घर ड्रॉप कर देता था। ट्रैकर लगाया हुआ है हानिया के पर्स में या उसके फोन में, पहुंच जाता है ट्रैकर, ऑटोबॉट है इसके पास कुछ। तो आप पहले सीन से शुरू करो प्लीज, पहले सीन में जहां लास्ट टाइम फ्रीज हुआ था और उसके बाद वो उसके घर से आई है, इसको नहीं पता क्या बात हुई। आपने पहला सीन देखा है, एंजेलिन एंटर्स गाड़ी में आई और उसके बाद जावियर बड़ी ना वाह वाह कल आई हो मेरे लिए, ये वाले मूड में, ही सो कैजुअल। उसमें सीन आगे क्या हुआ उसने बताया ही नहीं कि क्या हुआ आगे, क्या बात हुई थी। अगले जंप ऑफिस का सीन शुरू हो जाता है, उसमें एक सीन मिसिंग है। नहीं, उन्होंने कोई सस्पेंस रखा है कि माँ ने अपनी साइड ऑफ द स्टोरी कोई बताई है, और वो अगले दिन जब ऑफिस पहुंचा है तो वो एक ज़ॉम्बी मोड में गया है। रबिश, रबिश। देयर वाज अ बिग जंप, वन सीन इज मिसिंग, क्योंकि मैंने देखा एक तो इस... एक तो अपने कैरेक्टर से आउट हो गया जावियर साहब वहाँ, मैं पता ना मामी ने लेके आ लाए हो, वो हो गया तो कहाँ से आए हम, कहाँ जाएंगे शाम को वाटर पार्क, ये वाले मूड में आगे निकल गया कैरेक्टर से। उसको फिक्र होनी चाहिए थी कि भैया आप आइए, क्या बात हुई, यहाँ एक सीन था, ये वॉक में आपने उसको ख़त्म कर दिया, क्लोज नहीं, बात नहीं हुई, नहीं जी यहाँ एक बड़ा मेजर सीन था, खा गए सीन, नहीं जस्टिफाइड, बहुत बड़ा जंप, उधर मैं पुट ऑफ हुई। उसके बाद जो दिखाया है डाका पड़ा है और वो जो सारे आए हैं उसके लिए, उसको मैंने देखा है 11 दफा, क्योंकि मैंने कहा ये बड़ा मेजर सीन है, ना दिया कुछ मत कहना, अब्बा को दिखाया, फैसल को दिखाया, सबको दिखाया। अब और एक ही बात सबसे जो सबसे ज्यादा पिन पॉइंट की है कि बाजू पे गोली लगना आप क्रिटिकल नहीं हो सकते, ये क्रिटिकल कैसे हो गया, बाजू की गोली क्रिटिकल है, बहुत दुआ करें क्रिटिकल है, क्रिटिकल, और बाजू पे गोली लगी फिर यार बॉडी पे कहीं और लगा देते, क्यों बाजू पे गोली मारनी नहीं चाहिए थी, कहीं और मारते तो क्रिटिकल सेंस बनता। बिल्कुल दिस इज रॉन्ग, दिस इज ज्यादा खून बह जाए, ज्यादा तो बना ही नहीं ना, वो तो लेके उसको चले गए बाजू पे जिधर मसल में लगा, कैसे खून निकल गया, कैसे हो गया, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं।